रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल ओवन ठीक है तो uh, क्योंकि ओवन uh, के बारे में आप सबको पता है कि ओवन का, का काम क्या रहता है जिनको पता नहीं होगा ट्राई टू तो लर्न uh, टूडे uh, जो इलेक्ट्रिकल ओवन है uh, अगर हम आज की डेट में मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में हमारे पास इलेक्ट्रिक uh, ओवन भी मिलते हैं और माइक्रोवेव ओवन भी मिलते हैं ठीक है जो हमारे पास मार्केट में ज्यादातर बिकता है वो माइक्रोवेव ओवन बिकता है माइक्रोवेव ओवन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा हमें वैसे माइक्रोवेव ओवन सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं वर्किंग बता दूंगा उसकी जो अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल ओवन रहता है इलेक्ट्रिकल ओवन में ओ के नाम से ये ज्यादातर मार्केट में बिकता है ठीक है ओवन टोस्टर ए ग्रिलर या ग्रिला बोल सकते हैं ओवन टोस्टर और ग्रव ठीक है तो ये जो ओ टी जी है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे हम माइक्रोवेव ओवन के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा इनडेफ जाएंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है कैसे काम करते हैं ये चीजें मैं आपको दोनों में जितना हो सके उतना मैं आपको इसके रिलेटेड बता दूंगा नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू Uh, I'm sharing my screen with you. स्क्रीन आ रहा है आपको नजर सबको यस yes, सर okay. देखो ये जनरली हमारे पास ओ रहता है ठीक है ओवन टोस्टर एंड ग्रिलर जिसकी हम बात कर रहे हैं ओवन टोस्टर और ग्रिलर ये तीनों काम आता है हमें ये ओवन एज ओवन भी हम यूज कर सकते हैं एज ए टोस्टर भी यूज कर सकते हैं एज ए ग्रिलर भी हम यूज कर सकते हैं तो हमें ये देखना है जो ये ओ है ये कैसे काम करता है हाउ इट इज वर्किंग इसके बेसिक जो डायग्राम है वो क्या है काम कैसे करता है वो भी हमें देख रहे है इसके बाद में आपको जो माइक्रोवेव ओवन है उसके बारे में भी बताऊंगा इनशाला तो ओ टी जी में अगर हम देखेंगे जो ओटी है अगर ये नॉर्मली हम देखेंगे इसी शेप का रहता है ठीक है मॉडल मॉडल डिफर रहेगा ये जरूरी नहीं कोई प्रेस्टीज का इस तरह दिखेगा कोई दूसरा दूसरी तरह का दिखेगा बट जनरल कंपोनेंट जो इसमें होंगे वो सेम होंगे ठीक है वट यू विल सी इन एन ओ टीजी यू विल सी ए टेम्परेचर सेटिंग नॉब यू विल सी सिलेक्टर स्विच एंड यू विल सी ए टाइमर नॉब एक टाइमर सेटिंग नॉब होगा एक हीट सेटिंग नॉब होगा और एक टेम्परेचर सेटिंग नॉब होगा ठीक है ये तीनों आपके पास हर किसी ओवन जो टोस्टर ओवन या ओ होगा उसमें आप देखोगे ही देखोगे इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट काम है जैसे हम टेम्परेचर में हम टेम्परेचर सेट करेंगे कि हमें कितना चाहिए इट रेंजेस फ्रॉम जीरो टू तो टू हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इन दिस केस ये इससे भी ज्यादा हो सकता है या इससे भी कम हो सकता है इट विल डिपेंड अपॉन जो इसका मैन्युफैक्चरर होगा उस पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो ओ है वो क्या मतलब उसकी जो रेटिंग होगी उसकी जो टेम्परेचर डिग्री होगी वो कितनी रहेगी सिलेक्टर स्विच में हीटिंग में हम ऐसे रखते हैं जैसे हम इन जनरली घरों में भी इंडक्शन में पे रखते हैं कि हमें बॉयलिंग के लिए चाहिए ग्रिलिंग के लिए चाहिए हमें फ्राई करने के लिए है किस चीज के लिए है वो इस चीज के लिए है और तीसरा हमारे पास रहता है टाइमिंग सेटिंग नॉब टाइमिंग सेटिंग नॉब में हम क्या करते हैं वी सेट द टाइम हम टाइम सेट करते हैं जैसे 30 सेकंड के लिए रखना हो 20 सेकंड के लिए रखना हो इट हैज़ टू बी सेट ऑन मैनुअल बेसिस ये आपको मैनुअल बेसिस पे रखना है आप मैनुअली पांच मिनट भी रख सकते हैं बीस मिनट भी रख सकते हैं दस मिनट भी रख सकते हैं इट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल जो आपको कुक करना है आपको ग्रिल करना है टोस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्रेड को टोस्ट कर रहा हूँ उसके लिए तीन सेकंड चार सेकंड पांच सेकंड काफी है आई कैन नॉट पुट ए ब्रेड इन एन ओ एंड वेट फॉर थर्टी मिनट्स अगर बह त्रहन मिनटन प्यार तथा क्या गए काम सो गई चीन गा कि ना ठीक है Now, yes, इसके sir. बाद, इसके बाद बाद हम क्या देखेंगे इसकी वायरिंग डायग्राम जर्नली हर किसी भी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड स्विच बोथ स्विच में यही डिफरेंस है जो पहला वाला स्विच है उसमें हम क्या करते हैं कि देखो एक आप प्रीडिटरमाइनी टेम्परेचर सेट करते हो कि जैसे मुझे किसी चीज को 100 डिग्री सेल्सियस पे रखना है ठीक है मैं अगर 100 डिग्री मुझे पता है कि मुझे 100 डिग्री पे रखना है देन आई विल टर्न दैट स्विच एंड पुट इनटू ऑन दैट अदरवाइज अगर मुझे क्या है मुझे करनी है, मुझे पता है, है, मुझे पता नहीं है कि क्या रखना है स्विच यूज करूंगा मैं उस स्विच पे रखूंगा जो मुझे सेटिंग चाहिए और वो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट उसको उसी टेम्परेचर पे सेट कर दे, देता है आई डोंट है टेम्परेचर स्विच देन बात समझ गई सर yeah, Now, uh, जो वायरिंग डायग्राम है इसकी वायरिंग डायग्राम अगर आप देखोगे हर किसी चीज में जैसे हमने पिछली दफा भी पढ़ा था वो जर्नली है थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट हमेशा उस जगह यूज होगा जहां पे कोई भी एलिमेंट काम करेगा एलिमेंट आएस ही एलिमेंट आएस तट इट मीनस थर्मोस्टेट आसि आएस वह हैव ए थर्मोस्टेट वो हैव ए फंक्शन स्विच ठीक है टाइमर टाइमर का काम क्या रहता है टू सेट द टाइम जो हम अभी कर रहे हैं टाइमिंग कर रहे हैं पांच सेकेंड दस सेकेंड तीस सेकेंड ठीक है ये उस हिसाब से करते हैं और हमारे पास रजिस्टर एक रहता है इज़ फॉर इंडिकेटर इसके बाद हमारे पास पावर कॉर्ड रहती है वो तो पता ही है देखो काम कैसे होता है पहले जो हम इसमें लाइन और न्यूट्रल देते हैं वो क्योंकि हमें हीटिंग एलिमेंट को चलाना है अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड में ये अपने इसके ना पेंट के थ्रू इसको खोलता हूं एक बार देखो अगर मैं क्या काम कर रहा हूं अगर मैं ये जो मेरे पास है दिस वन दीज आर माई हीटिंग एलिमेंट्स ठीक है ये हमारे पास हीटिंग एलिमेंट रहते हैं ये मैं आपको अभी और दूसरे स्लाइड में अच्छी तरह दिखाऊंगा हमारे पास जनरली दो हीटिंग एलिमेंट इसमें रहते हैं एक टॉप पे रहता है और एक बॉटम पे रहता है ठीक है लोअर हीटिंग के लिए एक यूज आता है और दूसरा अपर हीटिंग जो टॉप पे हीट करता है और दूसरा नीचे हीट करता है ये दोनों एलिमेंट अगर आप देखोगे ऊपर वाला अगर आप देखोगे इट इज 600 हंड्रेड वॉट टू थर्टी वोल्टी वाला जो एलिमेंट रहता है वो 300 हंड्रेड वाट वन हंड्रेड फिफ्टीन वोल्ट और व्हाट्सो एवर अब इसने सीरीज में ये दो दो लगा के रखे हैं ठीक है सीरीज में जब हम लगाते हैं वट हैपन्स आपको पता ही है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है कहा तरह मेन समझ ये एग्जैक्टली exactly. ये इसके बाद क्या करते हैं हम जर्नल केसेस में जब भी हमें एक अपना ओ चलाना होता है हम क्या करते हैं उसमें हम टाइमर में टाइम सेट करते हैं टाइमर में एग्जैक्टली exactly, अगर आपने देखा होगा जो हमारे पास बचपन में गाड़िया रहती थी गाड़िया ना आसान यथ अंदर तुम व्हील ही लिवर ही मतलब हम क्या करते थे उसको कसते थे पावे यल सो पे थोड़ा ब्रोट पकान पे पे तथा कसूँ चाबे स या तो पे तो वो यस सर हाँ आप चिल्ला क्यों रहे हो वार बार दब ठीक है तो टाइमर में वही चीज रहती है टाइमर में उसी के हिसाब से टाइम सेट किया जाता है कि इस पर वॉशिंग मशीन में टाइमर आसान सेम उसी तरह का टाइमर इसमें भी रहता है वो जीरो से जैसे आप पांच, पांच पे सेट सेट करोगे करोगे मिनट मिनट पर वो मिनट तक चल के वापस वापस वापस, वापस आके जीरो पे सेट हो जाएगा इसी के साथ थर्मोस्टैट भी रहता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है जो डिपेंड करता है जो आपने टेम्परेचर सेटिंग की होगी उसके हिसाब से ये थर्मोस्टैट वही बायोमेटेलिक स्ट्रिप का बना होता है उसी के हिसाब से ये चलता है इसके बाद जो फंक्शन स्विच हमारे पास रहता है फंक्शन स्विच जो है ये क्या करता है ये अल्टरनेट फंक्शन करता है अल्टरनेट फंक्शन मतलब कभी कभार जब आप टेम्परेचर को हाई सेट करोगे फॉर एग्जाम्पल जब आप हाई टेम्परेचर को सेट करोगे इट मीनस आपको उस समय दोनों जो आपके लोअर हीटिंग प्लेट है और अपर हीटिंग प्लेट है ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं दोनों एक्टिवेट गसान ये एक्टिवेट आपको इसमें और एक स्लाइड दिखाऊंगा अगर ये वायरिंग डायग्राम समझ आई हो तो मैं आगे चलूंगा आगे पूरा डिटेल्ड है अब खाली ये समझ लो यहाँ पे कि एलिमेंट एक नीचे रहता है एक एलिमेंट ऊपर रहता है नीचे वाले दो जो एलिमेंट है हमारे पास बेस एलिमेंट या जो बेस प्लेट पे रहते हैं उनमें दो हीटिंग एलिमेंट रहते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं 300 वाट के रहते हैं और ऊपर जो है हमारे पास वो 600 वाट 30 वोल्ट का एक रहता है देयर इज अ थर्मोस्टेट देयर इज अ टाइमर देयर इज अ फंक्शन स्विच एज़ वेल ठीक है नाउ आई विल शो यू समथिंग न्यू देखो एलिमेंट का डिजाइन इस तरह भी हो सकता है ठीक है इस टाइप का भी एलिमेंट हो सकता है आ, आपको दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको जी सर, जी सर सर दिख रहा है इस तरह का एलिमेंट हो सकता है ठीक है आपको इस तरह के दो एलिमेंट मिल जाएंगे एक जैसे मैंने बताया एक टॉप पे एलिमेंट होता है और नीचे में नीचे एलिमेंट होता है ये याद रखना है आपको ऊपर वाले एलिमेंट को हम ब्रॉयल एलिमेंट कहते हैं ब्रॉयल बी आर ओ आई एल मैं चैट में लिखता हूं प्रोए एलिमेंट और नीचे वाले को बेस एलिमेंट या बेस एलिमेंट भी बोलते हैं मतलब सर, जो आपने अभी वायरिंग डायग्राम दिखाई ना सर सर ऑटोम्स किसके नेच करा स्विचस को ददबनस ग्रनस को टच अलग होत खदच अलग सु कित नेच करा वही मैं बोल रहा हूँ जो हमारे पास जैसे स्विच है ना स्विच स्विच और थर्मोस्टेट का आपस में इंटरलिंक इंटरलिंकेज है इंटर जैसे मैंने आपको पढ़ा है इलेक्ट्रिक आयरन उसमें जैसे हम स्लिक पे रखते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप जो अंदर रहती है और जो हमारा पॉइंट रहता है फेज का पॉइंट उसमें जितनी डिफरेंस आ जाती है उतनी देर तक जो आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो उतनी देर तक गर्म होगा और फिर कट ऑफ होगा कहता है मेन समझ सेम सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिक ओवन जितना आप इसमें जैसे मैंने ग्रिल पे रखा है ठीक है ग्रिल पे फॉर एग्जाम्पल इसको हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस चाहिए तो जो थर्मोस्टेट की सेटिंग है और मेरी बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो फेज कट कर, कर देता है उसके उसका उसकी जो डिफरेंस होगी वो उससे ज्यादा होगी इट मीन जब तक वो डिफरेंस कंप्लीट नहीं हो जाती बायोमेटेलिक स्ट्रिप ग तो हीट त्यूता तो ही तो कही गु ग्रिल चली गई तथा कट ऑफ बात समझा गई यस yes, सर हाँ देखो इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद अगर आपको देखना होगा कि अंदर से कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूं देखो ये आ, आ, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर के uh, द, uh, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से बनाते हैं बहुत सारे अलग हिसाब से बनाते हैं यू कैन सी कि ऊपर वाला हमेशा एलिमेंट उसको हम ब्रॉयल एलिमेंट बोलते हैं नीचे वाले एलिमेंट को हम बेक एलिमेंट बोलते हैं बेक मतलब गो पका कान चीज ब्रॉयल एलिमेंट गो ब्रॉयल कर ब्रॉयल मतलब गो ब्राउन ब्राउन कलर दिया क्या ये एलिमेंट मानते इथ पंद्रा टुंड्रा सूट इज सॉर्ट च मनावा त चुना पेट सु गसम ब्राउनिश कलर यस yes, सर यस yes, सर बुझुन दैट यू ब्राउनिश आ चुना गसम बु जान हु चुगसम सु एक सेकंड तो उसमें क्या है कि जो ब्राउनिश कलर आ जाता है वो उस वजह से आ जाता है जो टॉप वाला एलिमेंट रहता है ठीक है और नीचे वाला बेक एलिमेंट जो होता है वो वाला एलिमेंट क्या, क्या काम करता है वो पकाता है इसको खेन त्राहम कर तैयार हूँ कर ब्राउनिश कलर दिवस सूच तथा सो हिसाबन मानो सब कवरिंग फ्लेवरिंग बनाया ठीक है इसके साथ साथ क्या रहता है एक टेम्परेचर सेंसर रहता है जैसे थर्मोस्टेट हमारे पास हो गया ठीक है थर्मोस्टेट भी टेम्परेचर सेंस करता है सेम यो टेम्परेचर सेंसर जो सेंस करा उस कंट्रोल बोर्ड अस च पेट लगित सु कंट्रोल बोर्ड च मॉनिटरिंग करा के एमिस कत कार च बंद गसून क्या च बंद गसून अ कंट्रोल बोर्डस मन क्या च लइदित आसन सिन टाइमर वामर च अती लगित आसन इसमें कोई डाउट है जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई बिल्कुल इलेक्ट्रिक ओवन आज से दस साल पहले यूज करते थे क्योंकि आपकी जो ये है इलेक्ट्रिक ओवन जो है तो यही है तो हम क्या करते हैं एक ब्रॉयल एलिमेंट रहता है और बेक एलिमेंट रहता है ठीक है तो इसमें यही चीज है कि अगर हमारे पास ब्रॉयल एलिमेंट और बेक एलिमेंट में दोनों में से कोई एक खराब हो तो हमें क्या करना है हमें उसकी रिप्लेसमेंट करनी है वी हैव टू गो फॉर रिप्लेसमेंट ठीक है अब हम टेस्टिंग कैसे करेंगे जैसे कोई भी एलिमेंट को हमें टेस्ट करना है वो कैसे हम करते हैं वी जनरली डू वन थिंग वी यूज दैट हीटिंग एलिमेंट उस हीटिंग एलिमेंट में हम क्या करते हैं दो कनेक्शन करते हैं जब हम दो कनेक्ट करते हैं दो वायर्स कनेक्ट करते हैं अपने सीरीज टेस्ट बोर्ड के साथ अगर हमारा लैंप ग्लो हो गया इट मीन्स हीटिंग एलिमेंट इज ओके अदरवाइज हीटिंग एलिमेंट इज नॉट ओके अगर हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होगा तो डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी टेस्टिंग करेंगे कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे रख के हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है इट मीन्स एलिमेंट इज ओके अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा तो ये मीन्स एलिमेंट हमारा खराब है तो इसी तरह हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो है वो कैसे काम करते हैं बाकी ओवन हीटिंग में क्या रहता है अगर हम देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोल नीचे मैंने आपको बताया जैसे नीचे की तरफ से बेक एलिमेंट रहता है अगर आप देखोगे ये ये तो बेक एलिमेंट यूज बनक ये हिडन रहता है अथ पेट शू ब्याख प्लेट आसान कभी कभार जो नॉर्मल आप अगर देखोगे जो नॉर्मल हमारे पास ये वही दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूं जो नॉर्मल हमारे पास ये है ओवन हमारे पास रहता है उसका अगर इनसाइड व्यू आप अगर देखोगे नीचे बेक एलिमेंट रहता है बेक एलिमेंट अगर आप देखोगे ऊपर से फिर शील्डेड होता है ये आसाम बंद कर ठीक है और हमारे पास टॉप एलिमेंट रहता है जिसको ब्रॉयल के पैटकन चाहिए अगर तुम पूछू अगर आप ये डिजाइन देखोगे इस डिजाइन में आप देखोगे टॉप में जो है वो ब्रॉयल है दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयल एलिमेंट ठीक है मांस बाग चे आसान आज खतरे जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील के जैसे स्लाइड्स होते हैं जिसपे हम सामान वामान रखते हैं वो उस लिए होता है और एक लाइट भी जलती रहती है सो so देट हमें ये विजुअलाइज हो कि अंदर से क्या है कंस्ट्रक्शन में इसमें इतना ही है इसमें कंस्ट्रक्शन में उतना कुछ है नहीं ब्रॉयल एलिमेंट टॉप पे है बेक एलिमेंट नीचे होता है यू कैन हैव ए सिंगल एलिमेंट एज वेल वो छोटे जो ओवन टोस्टर हमारे पास रहते हैं उनमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट वाले भी आते हैं बट वो किसी काम के नहीं रहते इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू आर रेडी टू स्पेंड अब कंटिन्यूटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी टेस्टिंग में डायरेक्टली ब्रॉयल एलिमेंट जैसे खराब होगा उसके दो टर्मिनल होंगे वो हम अपने मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे तो अगर मल्टीमीटर ने कुछ कंटिन्यूटी दिखाई अगर उसने कंटिन्यूटी दिखाई तो क्या होगा इट मीन ब्रॉयल एलिमेंट हमारा ओके okay है अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है means की नहीं दिखा रहा है, या कुछ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है इटमीन्स जो हमारा ब्रॉयल एलिमेंट है वो खराब है सेम शुड बी द केस विद यूअर जो हमारे पास ये रहता है हमारा इसको ना क्या कहते हैं बेक एलिमेंट बेक में भी यही काम होता है बेक में भी कंटिन्यूटी टेस्टिंग ही होती है और कुछ नहीं है बाकी अगर आप फ्रंट साइड देखोगे किसी भी इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन रहता है इट्स ओपनिंग देखो देखो ये इस तरह के भी हमारे पास बहुत सारे रहते हैं ठीक है टॉप और बॉटम में भी एलिमेंट्स रहते हैं कुछ में क्या होता है देयर विल बी रॉ टाइप स्ट्रक्चर रॉ टाइप स्ट्रक्चर में ही एलिमेंट्स बने रहते हैं कन्फ्यूज एलिमेंटी रॉ टाइप स्ट्रक्चर बीच में हम जो ग्रिलेज लगाते हैं जिस, जिन पे हम अपना फिर जो जो भी सामान है वो रखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं दैट फ्रॉम डिजाइन टू डिजाइन बट अगर आप इस डिजाइन में देखोगे ये भी बहुत पुराना डिजाइन है तो इस डिजाइन में अगर आप देखोगे देयर इज एन एलिमेंट जस्ट लाइक ए रूम हीटर जैसे हम रूम हीटर में एलिमेंट यूज करते हैं सेम वैसा ही है, है ना अच्छा सर yes, हाँ बट जो ये वाले हमारे पास है ये नॉर्मली हो चुके हैं आज की डेट में देखो ये दूसरा वाला मैं दिखा रहा हूं आपको ये ब्याह डिजाइन देखो ऊपर एलिमेंट चल रहा है ये कुछ एलिमेंट छलिमेंट कुछ एलिमेंट चु ब्रॉयल ठीक है इसमें ये भी प्रोविजन होता है कि एग्जॉस्ट फैंस भी रहते हैं ठीक है एग्जॉस्ट फैंस भी रहते हैं इसमें आर वेरियस थिंग्स तो आपको उन चीजों पे ध्यान रखना है वो वो चीजें आपको देखनी है कि डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट तरीके से होगा किसी मॉडल में कुछ और तरीके से होगा किसी मॉडल में कुछ और तरीके से होगा नाउ इसमें मेन चीज खराबी किसमें आ जाती है इसमें टाइमर में खराबी आती है इसमें आपका जो हमारे पास ये एलिमेंट्स रहते हैं उसमें खराबी आ जाती है जर्नली इन्हीं दो चीजों में और या थर्मोस्टेट में खराबी हो सकती है क्योंकि मेन हमारे पास यही तीन चीजें हैं जिनमें प्रॉब्लम्स है अदरवाइज और कोई आ... सर ये इलेक्ट्रिकल ओवन है कि माइक्रो ओवन ये इलेक्ट्रिकल ओवन है इलेक्ट्रिकल सर डिफरेंस क्या है माइक्रो ओवन और इलेक्ट्रिकल ओवन में मैं बताता हूँ आप मुझे खाली एक सेकेंड दो Did you? just give me one sec? दो मिनट आप प्लीज होल्ड कर लेना मैं थोड़ा मैम को ना कुछ इम्पोर्टेंट डाटा दे रहा हूँ आप लीजिए टाइम ओके आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम देखो अब इसमें क्या है कि देखो आपका जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल ओवन एंड माइक्रोवेव ओवन ठीक है तो इसमें ये डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिकल ओवन हमारे पास रहता है दैट वर्क्स प्योरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी पहली बात हीटिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं और थर्मोस्टेट हमारा यूज होता है जैसे नॉर्मली हम पुराने चीजों में यूज करते हैं ठीक है तुचू तो बोजान मैं क्या कह रहा हूं जो है माइक्रोवेवन एज दाइक्रोवेव माइक्रोवेवस टू डेज पावर माइनस सिक्स क्या गो टेन टू डेज पावर सिक्स सॉरी माइनस सिक्स नहीं टेन टू रेज पावर सिक्स सॉरी टेन टू रेज पावर नाइन ठीक है मतलब हमारे पास अगर माइक्रोवेव ओवन रहेगा एक सेकंड किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एग्जा जस्ट वेट फॉर ए सेक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हाँ टेन टू रेस पावर सिक्स ठीक है आ, हमारे पास जो माइक्रोवेव ओवन रहता है उसमें अगर आप देखोगे माइक्रोवेव uh, uh, में हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं माइक्रोवेव्स मतलब वो चीज चुमान मैग्नेट्रॉन क्या चुनाव मेग्न्यूट्रॉन किलिस्ट्रॉन एक चीज आती है देखो ये काम कैसे करता है अगर किसी को इस बारे में पूरा uh, समझना है तो मैं इस क्लास के बाद जो अगला क्लास होगा इसी के साथ मैं उसमें भी बताऊंगा इसमें नौ मिनट रह गए हमारे पास मैं दोनों में आपको बताऊंगा देखो काम कैसे करता है ये चीज तूदा इंपोर्टेंट अगर तो ये चीज समझू समझू तोई मंजो तोई समझो सारी चीज समझू तोई आराम सान ठीक है माइक्रोवेव के रिलेटेड देखो कोई भी चीज जब हम पकाते हैं तस्म कुछ मीन इंग्रेडिएंट आसा मीन चीज कुछ चासा कौनती चीज मन कम चीजस मन जो उसका सर मेन कोर्स हो फॉर एग्जांपल अगर हम मीट खाते हैं तो उसमें मीट होगा ना 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 देखो ना ना बुझ दुमा इट इज बनावांच पकावांच वाटर हीटिं, हीटिंग हीटिंग exactly. एलिमेंट होता है पानी रहता है पानी एग्जैक्टली पानी, exactly, पानी रहेगा ही रहेगा आप आशी आश जो माइक्रोवेव हमारे पास होती है टेन टू रेज पावर माइनस सिक्स में जो हमारे पास रहती है माइक्रोवेव्स इतनी छोटी वेव्स है, for example, वो गीगा रेंज में होती वेवजें फार एगजामपल गीट्स रेत मैक्रोव रीगा हटस रे दु रेज पवर माइनस सिक्स इट इज इट इज वग वंग्थ त्रा सेकन्ड इस वो कि अगर मैं लिखता हूं टू पॉइंट फोर गीगा हटस यह मैं कत यद यहूत इंपॉटेंट यी हिंदी भर गी मशीद जिंदगी भर यूजन

यम 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इनको हम फ्री बैंडस कहते हैं फ्री बैंडस मतलब ये बैंड uh, अन्य खतरचींचा पोस पेवा दून केत मतलब दबक बक्स सर पोस क्या फॉर एग्जांपल 92.7 बैंड ठीक है एमएचजेड 92.7 स्पेड शीट से चलान एफएम रेडियो क्या चालान ना यस या 93.8 रेड एफएम बजाते रहो चुना चालान ये बैंड यम चीज ये जो बैंड है इन बैंड्स का ऑक्शन हो जाता है यू सोन हवा चुना हवा योस हवस फ्रीक्वेंसी छह सोचे यहाँ कुन क्या चीज़ यहाँ जिसपे एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था आपने 2G स्कैम के बारे में सुना होगा दिय वेर अराउंड उसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का गपला हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर किसी को समझना है ये चीज तो ज़रूरी गरूरी समझुन गीगा हर्ट्स वीगा हर्ट्स क्या गो 2.4 गीगा फोर गीगाट्स 5 5 गीगा हट्स फ्री बैंड करार दिन मतलब घर हे बह गटवर्कस इजीली यूज कर मे चुन खतर पोंस दिन कह मगर अगर मैं देखूंगा ये जिस भी चीज 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चल रही होगी ब्याह ऐसी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चला वहां पे क्या होगा दर विल बी इंटरफेरेंस देर विल बी इंटरफेरेंस क्योंकि दोनों चीजें जब एक ही बैंड पे चल रही होगी तो वहां पे दिक्कत होगी होगी फार एग्जाम्पल uh, प्लेटफार्मस पे जो जो ट्रेन पकान वट विल हैपन शोर गर विल बी प्रॉब्लम इन बोथ सो क्या होता है ये कैसे चलता है मैं आपको बताता हूं 2.4 गीगा गीगाहर्ट्ज का मतलब यू सोन माइक्रोवेव ओवन छ अंदर अख चीज लगाई था सन त छ मन मैग्नेट्रॉन क्या छ लगाई था सन मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन मे मैग्नेट्रॉन या क्लिस्ट्रॉन भी दूसरा होता है या टी द वन ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स तु थयो मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन क्या चासा? टू पोइ फो गिगा हटस मतलब क्या गुना खबर दप सिंपल कि अगर इलेक्ट्रिक असर घट्रिक बलबा पंह हटस कच हर्ट्ज 50 हर्ट्ज मतलब गो फिफ्टी टाइम सेकंडस ऑन तो ऑफ ग ठीक गा पन्टस त्रकुवनेसी अकल सेकन्डस महारा लटि बंद ग पचह लटे यल ग जो हमारी आंखें डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है अगर तुम तो वह डिटेक्शन आज करो ब्रोण अगर तुम वो टी वी मज़ टी वी अथि वसान व लकीरिच आसा वसा कि नुचम चुना टी व टी वी चलान थोड़ा बहुत सानी अच्छ ये तमित सब चीज डिटेक्ट यहा काErrorKind मगर यूसी 55 हर्ट्ज यु चो गरी लैंप छु चीन 3एन छु गसा अचुनि डिटेक्ट गसा के या ब्याख एग्जांपल दबो तोई फॉर एग्जाम्पल वीडियो शूटिंग से चलाना असा कंचो खानदार असा कुछ होता है तो जब हम वीडियो शूटिंग में देखते हैं पूछ आत अत्या पावर अत्या पावरस वजमा लास

वन बहु माइक्रोवन कताना टू पॉइंट फोर गीगाटस गीगा हर्ट्स मतलब गो 10 टू रेज पवर नाइन टू रेज पावर नाइन मतलब गो दह 10 टू रेज पवर नाइन सो मतलब गो वन जरो नव जीरो अ जो पांच चौर पांच शत हर्ट्स गो व्रीकुवेंसी

इतनी बार कोई भी चीज ऑन ऑफ हो जाएगी गचा कि ना ठीक yes, hmm? yes, है तो इसमें अगर अब हमें यह चीज देखना है आ, आ, इसमें जो चीज हमें देखनी है वो ये है तो इसमें हमें ये चीज देखनी है कि देखो होता क्या है अब मैग्नेट्रॉन क्या करता है काम यु सोन आब छू आब आब यु अगर तुम वो इट इज मेड अप ऑफ एच टू ओ आयोनिक छो ना अयोनिक एच टू प्लस ओ नेगेटिव छा कि ना पोर्च ना बचपन इस इन इन माइक ये जो हमारे पास ये गीगा हर्ट्ज रेंज में जो माइक्रोवेव्स होती है इनमें एक इतनी अच्छी पोटेंशियल इनमें कुछ खराबियां भी है और पोटेंशियल भी है खराबी क्या सदस्य ट्रैवल कम बा क्या चीज आओ इ टकरव ठीक मगर इम क्या असल चीज सी ये आबस स कंटेक्टस मजा क्योंकि पानी आयोनिक का बना होता है ये उस पानी को फ्लिप करवाते हैं यम्च नच्वा कम हिसाब से स्पीड हिसाब मतलब अगर चेब थोवु कबल मू हैव पुट इन इन सब सम वी कैन दैट इन सम मतलब किसी भी चीज में आपने रखा होगा पानी रखा होगा और उस पर माइक्रोवेव डाल रहे होंगे तो उससे क्या होगा जो पानी होगा उसके मॉलिक्यूल जो होंगे क्योंकि आयोनिक बेसिड होता है ये उसको फ्लिप करवाता है ये तर नचना मगर कम हिसाब पानी स्पीड हिसाब पानी स्पीड हिसाब मगर इसमें पन स्पीड इसकी जो अपनी स्पीड है वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा है उसकी इतनी स्पीड होने की वजह से क्या होता है जो पानी हमारा होता है वो इन नो टाइम गर्म हो जाता है सोच गो व्हाट विल हैपन आपका जो फूड है वो ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगा का तरह में समझ इसलिए माइक्रोवेव ओवनस मन चीज आसान सूची गर्म आसान ग

आप सारे प्लीज ज्वाइन कर लेना हेलो